नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। आज के वीडियो में मैं आपको स्नोरिंग यानी कि खर्राटे आने की समस्या के पीछे कौन कौन से कारण जवाबदार होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो की अपडेट दे देता हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात की थी खर्राटे आने की समस्या को किस तरह से रोका जाए, मतलब कि ऐसे कौन कौन से उपाय है जिन्हें आजमा कर खर्राटे की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रात में सोते वक्त खर्राटे लेते हैं। जिन लोगों को खर्राटे लेने की समस्या है उन्हें पता भी नहीं चलता है कि नींद में वो लोग खर्राटे ले रहे हैं। असली दिक्कत, असली परेशानी उन लोगों को है जो खर्राटे सुन रहे हैं, यानी कि आपके स्लीपिंग पार्टनर्स। जब भी खर्राटे की आवाज़ आती है तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, नींद बिगड़ती है। ऐसे में खर्राटे के पीछे कौन कौन से कारण है यह जानना काफी जरूरी होता है। एक बार जब हम कारण जान लेते हैं तो उसका इलाज किस तरह से होगा उसमें आसानी हो जाती है। इसलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि खर्राटे आने के पीछे कौन कौन से कारण जवाबदार होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनाटोमिकल पोजेस के बारे में। देखिए, जब भी हमारे शरीर में कोई अंग में टिश्यूज, सेल्स, कोई मसल्स, कोई भी चीज, कोई भी भाग पर कोई बदलाव आता है, स्थिति में बदलाव आता है, स्ट्रक्चरल चेंज होता है, उसके आकार में बदलाव आता है, साइज में बदलाव आता है, तो उसे हम कहते हैं एनाटोमिकल चेंजेस। और यह एनाटोमिकल चेंजेस की वजह से कोई भी प्रॉब्लम होती है उसके पीछे जो कारण होता है उसे हम कहते हैं एनाटोमिकल कॉजेस। इन केस ऑफ स्नोरिंग यानी कि खर्राटों के विषय में जब भी नजल कैविटी के स्ट्रक्चर में बदलाव होता है, शिफ्टिंग होता है, तो फिर एयरवेज ब्लॉक होने की संभावना रहती है जिससे खर्राटे की समस्या आती है। जब भी नाक के अंदर नजल पॉलिप्स यानी कि एक प्रकार का अनकैंसरस ग्रोथ, अनवांटेड ग्रोथ हो जाता है जो वैसे तो हार्मफुल नहीं होता है, लेकिन यह ग्रोथ की वजह से नजल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, एयरवेज ब्लॉक होते हैं और खर्राटे की समस्या होती है। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को टॉन्सिलाइटिस यानी कि टॉन्सिल्स में सूजन आ जाती है, खास करके बच्चों को, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, खर्राटे की समस्या बढ़ जाती है। आपने महसूस भी किया हो कि अगर किसी व्यक्ति को जुकाम है, सर्दी है, तो फिर ऐसे में टॉन्सिलाइटिस होने की यानी कि टॉन्सिल्स पर सूजन आ जाने की समस्या रहती है, जिसकी वजह से जो टॉन्सिल्स होते हैं उसके स्ट्रक्चर में बदलाव होता है, उसकी साइज बढ़ जाती है और एयरवेज ब्लॉक होने की वजह से खर्राटों की समस्या रहती है। ऐसा भी देखा गया है कि जब भी कोई थ्रोट टिश्यू या टंग की कोई टिश्यूज एकदम से रिलैक्स हो जाती है, ऐसी पोजिशन में आ जाती है कि थ्रोट ब्लॉक हो जाए, तो ऐसे केसेस में भी खर्राटे आने की समस्या रहती है। नंबर दो है फिजियोलॉजिकल कॉजेस। देखिए, जो भी कारण होते हैं वह आपकी उम्र, आपकी तासीर, आपकी स्लीप पोजीशन, स्लीप पैटर्न इत्यादि पर आधारित होते हैं। जैसे कि अगर आपकी स्लीप पोजीशन कुछ इस प्रकार से है कि आपकी टंग आपके गले को ब्लॉक कर रही, जैसे कि अगर आप पीठ के बल सो रहे हैं, तो ऐसे ज़्यादा चांसेस है कि आपकी टंग यानी कि आपकी जीभ इस तरह से पोजिशन में आ जाए कि आपका गला ब्लॉक हो जाए, जिससे एयरवेज ब्लॉक हो जाते हैं, तो फिर खर्राटे की समस्या रहती है। अगर कोई व्यक्ति ओबेस है यानी कि ओवरवेट है, ज़्यादा वजन है, तो वह जो व्यक्ति है उसके गले के भाग पर फैट टिश्यूज ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से जो भी प्रेशर होगा थ्रोट के ऊपर और जो भी एयरवेज है वह ब्लॉक होने के चांसेस ज़्यादा रहेगी, जिससे भी खर्राटे की समस्या रहती है। अगर आपकी स्लीप पैटर्न अच्छी नहीं यानी कि रेगुलर नहीं, आपकी जो स्लीप वेक साइकिल है वो रेगुलर नहीं है, यानी कि आपके सोने का समय रेगुलर नहीं है, आपका जागने का समय रेगुलर नहीं है, तो ऐसे केसेस में भी खर्राटे आने की समस्या रहती है। देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे खर्राटों की समस्या भी बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे जो मसल स्टोन है वह डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से खर्राटे की समस्या भी बढ़ जाती है। नंबर तीन है लाइफस्टाइल एंड हेल्थ कॉजेज। देखिए, जो भी कारण है वो आपके स्वास्थ्य पर, आपकी जीवन शैली पर आधारित होते हैं। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा शराब पीता है यानी कि शराब पीने की आदत है, तो वह व्यक्ति के जो भी गले के जो मसल्स होते हैं वो एकदम से रिलैक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से खर्राटे की समस्या रहती है। अगर किसी व्यक्ति को नींद न आने की यानी कि इंसोम्निया की परेशानी है, तो डॉक्टर से बात करके जब भी वह व्यक्ति स्लीपिंग पिल्स का सेवन करता है तो उसके गले के जो भी टिश्यूज होते हैं वह रिलैक्स हो जाते हैं और खर्राटे की समस्या रहती है। अगर कोई व्यक्ति धूम्रपान कर रहा है तो जो टोबैको है, जो धुआं है, उसकी वजह से गले में इरिटेशन होगा, जो सॉफ्ट टिश्यूज है गले की उसमें इरिटेशन होगा और खर्राटे की समस्या रहेगी। अगर किसी व्यक्ति को कोई एलर्जी है यानी कि एलर्जिक कंडीशन है, तो जिसकी वजह से गले में सूजन, टॉन्सिलाइटिस, फिर साइनस इन्फेक्शन, कोल्ड फीवर इत्यादि की समस्या बार बार रहती है, तो ऐसे केसेस में भी खर्राटे आने की समस्या ज़्यादा रहती है। नंबर चार है मेडिकल कॉजेज। यह जो भी कारण होते हैं वह आपकी मेडिकल कंडीशन पर आधारित होते हैं।
अगर किसी व्यक्ति को पहले से ही कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन है जो डायरेक्टली स्नोरिंग के साथ लिंक्ड है, तो फिर उस व्यक्ति को ज्यादा खर्राटे की समस्या रहती है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को OSA यानी कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की समस्या है, तो रात को सोते वक्त उस व्यक्ति के एयरवेज थोड़े बहुत ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से खर्राटे की समस्या बार बार होती है। जब जब स्लीप एपनिया के एपिसोड्स आते हैं तब तब खर्राटे की समस्या रहती है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है तो थ्रोट टिश्यूज रिलैक्स होने की संभावना बढ़ जाती है, जिसकी वजह से खर्राटे आने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर किसी व्यक्ति को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से खर्राटे की समस्या रहती है। ऐसा दावा किया जाता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी कि गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से वजन बढ़ने से, स्लीप पैटर्न में चेंजेस होने से भी खर्राटे की समस्या बढ़ जाती है। कुछ अध्ययनों में ऐसा भी दावा किया गया है कि खर्राटों की समस्या इनहेरिटेड है, मतलब कि अगर आपके घर पर आपके मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी कोई खर्राटे ले रहा है तो आप ऐसे चांसेस है कि आपको भी खर्राटे लेने की समस्या हो सकती है, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा और रिसर्च करने की जरूरत अभी है। तो यह थी जानकारी स्नोरिंग यानी कि खर्राटे की समस्या के पीछे कौन कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके बारे में। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।